इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर एक बार फिर से संग्राम मचा हुआ है, क्योंकि गठबंधन में पीएम पद के चेहरों में फिर नीतीश कुमार के समर्थक दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस समर्थक राहुल गांधी के नाम की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब सूची में अखिलेश यादव का नाम भी सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, इंडिया गठबंधन अपनी योजना बनाने की जगह आपसी विवादों और उलझनों का शिकार होकर कमजोर पड़ता दिख रहा है। जैसे अभी हालिया विधानसभा चुनाव में जहां सहयोगी दल सपा कांग्रेस आमने सामने खड़े दिख रहे थे, वहीं सहयोगी दल के बीच अब अपने नेताओं को पीएम पद का प्रत्याशी बनाने की होड़ भी दिखाई दे रही है, जो साफ साफ दिखाता है कि गठबंधन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन में पीएम पद के चेहरों को देखें तो जेडीयू की तरफ से नीतीश को उनके समर्थक पहले से ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते रहे हैं, लेकिन इस कतार में अब अखिलेश का नाम भी आ रहा है। अभियान में मुलायम सिंह की जन्मतिथि के अवसर पर सपा के बड़े नेताओं ने अखिलेश को पीएम बनाने की इच्छा जताई, जिससे साफ पता चलता है कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की चुनौती एक अनार सो बीमार वाली होने वाली है। वहीं पीएम पद की रेस में अखिलेश का नाम आने पर अब बीजेपी सपा पर तंज कस रही है और कह रही है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कम नहीं है, क्योंकि जो राज्य का चुनाव नहीं जीत सकता वो पीएम बनना चाहता है। पर धीरे धीरे जो स्थिति इंडिया गठबंधन में दिख रही है उससे तो सवाल उठता ही है, क्योंकि अगर सभी अलग अलग चेहरों के साथ चुनाव में गए तो कैसे एकजुटता का संदेश दे पाएंगे और सामने खड़े चेहरे का मुकाबला कर पाएंगे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।